हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि स्नैपचैट की आईडी कैसे बनाएं, क्योंकि स्नैपचैट की आईडी बनाने का तरीका बदल चुका है, अब एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आ चुका है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एकदम नया तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप आसानी से अपने स्नैपचैट की न्यू आईडी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बस छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सब कुछ लाइव सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं होम पेज पर आ चुका हूं। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखो, मेरी बात को ध्यान समझना। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, साइन अप और लॉग इन का। इनका अलग अलग काम है। क्या काम है, देखो, अगर आपका स्नैपचैट पर कोई पुराना अकाउंट है जिसको अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं पुराने वाले अकाउंट को, तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है जिसको पुरानी आईडी खोलनी है तो आप लॉगिन पर क्लिक करो। अगर आपको न्यू आईडी बनानी है, एकदम फ्रेश न्यू अकाउंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे न्यू अकाउंट बनाना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया साइन अप पे। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट को स्कैन करेगा, इसलिए आप इसको अलाउ कर देंगे। जैसे मैंने अलाउ कर दिया, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, आप 5 स्टेप में अपने स्नैपचैट अकाउंट का पूरा अकाउंट कंप्लीट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डाल देना। जिस नेम से आप अपना स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हो वो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल के आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं डेमो के लिए एक अकाउंट बना रहा हूँ अमन कुमार के नाम से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अमन कुमार। सो इस प्रकार से आपको अपना नाम डाल देना है जिस नाम से आप बनाना चाहते हो। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन आएगा बर्थडे का। आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जरूरी नहीं है कि आप रियल डालो, आप कोई सी भी डाल सकते हो, आपकी जो भी इच्छा आप आसानी डाल सकते हो। जब मन हो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ 2006, मैं डाल 6 दिसंबर 2006। इस प्रकार से आपको डाल देना जो भी आप डालना चाहते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है यूजर नेम इज। जैसे इंस्टाग्राम पर आपका नाम अलग होता है, यूजर नेम अलग होता है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर यूजर नेम अलग होता है, नाम अलग होता है। अब ये मेरा यूजर नेम आ रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा ना यूजर नेम बनाना चाहते हो, तो आप इसको इस पर क्लिक करोगे चेंज माई यूजर नेम। ये ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम चेंज भी कर सकते हो। और मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको अभी यूजर नेम को रहने देता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर और मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करो, आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आएगा सेट ए पासवर्ड। आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट का यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड किस लिए डालना है, अगर मान लो आपका मोबाइल कभी लॉग आउट हो जाता है या रिस्टोर हो जाता है, तो जब भी आपने स्नैपचैट की पुरानी आईडी को खोलोगे तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग डालना है और उसके बाद आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक नया पासवर्ड डाल दिया। सो इस प्रकार से आपको एक पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी और आपका स्नैपचैट का अकाउंट, स्नैपचैट की आईडी बन जाएगी। कैसे बनेगी, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने स्नैपचैट की आईडी बनाना चाहते हो। अगर मोबाइल नंबर से नहीं बनाना, अगर आप ईमेल से बनाना चाहते हो, तो आपको इस पर क्लिक करना। ये ऑप्शन आ रहा है यूज ईमेल आईडी, सिंपली आप इस पर क्लिक करके ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। पर मैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आप अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। सो इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद नीचे आपको फिनिश पर क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करोगे, अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर कोड जाएगा, कोड आपको वेरीफाई करना है। देख सकते हैं मेरा कोड वेरीफाई हो चुका है, ओटीपी आ गया और वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपके मोबाइल में जितने सारे कॉन्टैक्ट है वो अगर स्नैपचैट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उनको आप नीचे ऐड पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐड नहीं करना तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से स्किप कर देता, मैंने स्किप पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये आपसे बोल रहा है आपको अपने प्रोफाइल सेलेक्ट करने को, इमोजी भी लगा सकते हो, इमोजी लगाना, डीपी लगाना, तो आप यहाँ से लगा सकते हो कंटिन्यू पर क्लिक करके। पर मुझे नहीं लगाना, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्किप पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने स्किप पर क्लिक कर दिया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं मेरा स्नैपचैट अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं आपको प्रोफाइल पर क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा स्नैपचैट अकाउंट है अमन कुमार के नाम से, जो कि क्रिएट हो चुका है। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट की आईडी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।